एवरीवन, वेलकम टू होल्डी सेसफुल किचन। आज हम एक हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं, जो है ये बाजरे का आटा। और बाजरे के आटे से हम बना रहे हैं अप्पम। तो एक कप हमने बाजरे का आटा लिया है, 2 टेबलस्पून हमने सूजी ली है, 10 से 12 करी लीव्स को ऐसे चॉप कर लिया है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, राई है 1 टीस्पून यूज करेंगे, ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून, साल्ट है 1 चम्मच ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1/2 कप दही है, 1 गाजर को ग्रेट कर लिया है, 1 छोटी शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, 1 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। तो आइए, और थोड़ा सा पानी लगेगा, प्लस इनो हम इसमें डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने ये सब्जियां इसमें डाल दी हैं, प्लस सूजी डाल दी है, प्लस ये 1/2 कप दही डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। साथ में नमक डाल देंगे। इस सब चीजों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे हम। बाजरे का आटा है, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। ऐसे मिक्स होने लगा है, अब हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे, मिक्स करना है। साथ में थोड़ी सी रेड चिली, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको करते हैं हम मिक्स। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है ये अभी, है ना, जैसे हम इडली बनाते हैं उसकी रखते हैं ना, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसको हम इसके जो अंदर तड़का डालेंगे वो हम तैयार करते हैं। और ये देखिए, 1/2 कप पानी में से ना थोड़ा बचा है, जो दही जिस कप से हमने लिया था उसी में पानी डाला था, तो 2-3 टेबलस्पून के करीब बचा है। अगर आपको बाद में, जब आपको रेस्ट कर लेगा ये आपका बैटर, उसके बाद अगर जरूरत होगी तो आप फिर से पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तड़का तैयार करने से पहले मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने अप्पे पैन में ऐसे ऑयल लगा लिया है और गैस को बिल्कुल सिम पर रख दिया है। इधर हमने ये 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डाल रहे हैं अब हम राई। राई तड़क जाए अच्छे से, इसके साथ ही हम डाल देंगे चना दाल। ये मैंने आपको नहीं बताई, 1 टेबलस्पून मैंने चना दाल ली है। इसको भी चलाते हुए धीमी आंच पे हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये देखिए, चना दाल का कलर चेंज हो गया है। हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। गैस ऑफ करने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि ये बहुत उछलता है। फिर ये जो तड़का हमने तैयार किया है ना, ये अब हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और कुछ ही देर के लिए ढक के रखेंगे। बहुत देर के लिए नहीं, पर कुछ देर के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। आप इसमें चाहें तो हरा धनिया भी कटा हुआ डाल सकते हैं। ये 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 पाउच इनो, 1 टीस्पून, और इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ऊपर से। बस, ज्यादा हमें नहीं चलाना है। अब हम इसमें जो अप्पे पैन है उसमें इसको फिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से ना, पूरा नहीं भरेंगे, हाँ इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के डालते जाएंगे। देखिए, इस टाइप से आप चम्मच से डाल दीजिए। सारे हम इस तरह से फिल कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे, पैन को ढक देंगे और फिर चेक करेंगे। अब हम कवर हटा लेंगे। ये देखिए, जब ये ऊपर से ऐसा होना शुरू हो जाए ना, जैसे साइड से, तो आप इसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगा दें। हल्का हल्का सा ऐसे बिल्कुल ऑयल इस पे लगा दें चारों तरफ से। जो हमें साइड से ब्राउन दिख रहे हैं ना, उनको हम पलटेंगे अब ऐसे। तो आप लकड़ी की स्टिक लेके रखें कुछ भी ऐसा, ताकि वो नुकीला ना हो। कुछ लोग चाकू से भी करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो पैन जो है वो उसकी ये नॉन स्टिक जो कोटिंग है वो हट जाएगी और फिर आपके अप्पे ना नीचे लगने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये बन रहे हैं। आप मिलेट के अप्पे खा रहे हैं, है ना,
तो कुछ भी हेल्दी बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप ऑयल थोड़ा कम कर सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। अब ये हम ना खुला ही पकाएंगे इनको, पहले हमने ढक के किया है, अब हम इनको खुला पकाएंगे, तो जो ऑयल है वो थोड़ा सा इसके बीच में पक जाएगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊं, देखो आवाज सुनिए, ये अभी हिल रहा है, अदरवाइज मैं आपको नीचे प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। बेहद क्रिस्पी हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए इधर से भी ये पक गए हैं, अब हम चेक करते हैं। देखिए जब दोनों तरफ से इस तरह से हो जाए ना, तब आप इसको करिए। अब हम करते हैं इनकी प्लेटिंग, कितने यम्मी हैं ये अप्पे। और ये देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये बाजरे के आटे के अप्पे हैं, है ना शानदार। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं ये एक अप्पा आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए जाली, कोई कह सकता है ये बाजरे के आटे के अप्पे हैं? जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।